मेरा नाम संचिता है, मैं बोकारो झारखंड की रहने वाली हूँ। मैंने अपने 10th क्लास तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से पूरी की और उसके बाद एक स्कॉलरशिप के माध्यम से मैं सिंगापुर पढ़ने चली गई। वहाँ 11th 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से अपना बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन मैनेजमेंट पूरा किया। मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ और एक MBA को ध्यान में रखते हुए 2016 में मैंने GMAT के एग्ज़ाम पे अपना पहला अटेम्प्ट लिखा। इस एग्ज़ाम में 800 में से मुझे 760 अंक आए थे। GMAT के दो मेन सेक्शंस होते हैं, वर्बल और क्वांटिटेटिव। दोनों में ही मेरा परसेंटाइल 96% था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपने GMAT की तैयारी के सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी तैयारी में कुछ सहायता मिलेगी। GMAT इज एन एग्ज़ाम विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट। अधिकतर इंटरनेशनल MBA प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो GMAT एग्ज़ाम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हार्वर्ड, MIT, INSEAD, हास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट्सेट्रा। आजकल इंडिया के भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस जैसे IIM और ISB में GMAT के नंबर्स के बेसिस पे एडमिशन होना शुरू हो गया है। GMAT एक साल में कई बार कंडक्ट किया जाता है, हर महीने ऑलमोस्ट इसके टेस्ट डेट्स अवेलेबल होते हैं और सारे बड़े शहरों में इसके टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल भी होते हैं। आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। GMAT आप या तो अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में दे सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएट करने के बाद भी जब आप जॉब कर रहे हो तब आप GMAT दे सकते हैं। अधिकतर कॉलेजेस के लिए GMAT का स्कोर 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो मान लीजिए अगर आपने GMAT इस साल लिखा तो अगले 5 सालों तक अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इस साल का स्कोर उनको भेज सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने GMAT के प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहूँगी। पहली बात, इस एग्ज़ाम की तैयारी में कितना समय लगता है। मैंने GMAT की तैयारी में करीब 4 महीने लगाए थे। GMAT की तैयारी में कितना समय लगेगा ये एक्चुअली काफ़ी सब्जेक्टिव है और ये आपके टारगेट स्कोर पे डिपेंड करता है। मैंने जब अपना पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखा था तब मुझे 700 नंबर आए थे और उस मेरा टारगेट स्कोर उस समय 740 का था। तो इस 700 को 760 बनाने में मुझे करीब 4 महीने का समय लगा, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। दूसरी बात, प्रेपरेशन मटीरियल। GMAT के 4 सेक्शंस होते हैं। पहला वर्बल, जिसमें इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव, जिसमें मैथ्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा इंटीग्रेटेड रीजनिंग, जिसमें डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चौथा एक एसे कंपोनेंट होता है, जो कि फ्री स्टाइल एसे एनालिसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट पर लिखना होता है। GMAT के प्रेपरेशन के लिए ऑफिशियल GMAT गाइड सबसे महत्वपूर्ण प्रेपरेशन मटीरियल है। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस ऑफिशियल GMAT गाइड पे ही किया था। अगर आप GMAT की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट ऑफिशियल GMAT गाइड ज़रूर खरीदें। ये Amazon पे बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑफिशियल GMAT गाइड की खूबसूरती ये है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल का सबसे सही अनुमान ऑफिशियल गाइड से ही मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल GMAT गाइड का एक एक सवाल बनाएं, हो सके तो उन्हें 2-3 बार बनाएं, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने हैं उसका बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। ऑफिशियल GMAT गाइड के साथ कुछ टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं जो कि किताब के साथ ही मिलते हैं, आप उन्हें भी ज़रूर सॉल्व करें। अगर वो हो जाए तो ऑफिशियल GMAT के और भी टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। करीब $80 में आपको 4 एक्स्ट्रा टेस्ट मिल सकते हैं ऑनलाइन, तो आप उनको भी ज़रूर सॉल्व करें। अगर ये सब पूरा हो जाता है और आपके पास अब भी समय बाकी है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कैपलान के प्रेपरेशन मटेरियल्स यूज़ करें। तीसरी बात, डायग्नोस्टिक टेस्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी शुरू करने के 1-2 हफ्ते बाद, जब आपको जनरली एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए, क्वेश्चंस कैसे हैं वो थोड़ा समझ में आ जाए, तो आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइम्ड कंडीशंस में ज़रूर लिखें। ऑफिशियल गाइड की शुरुआत में भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है और ऑनलाइन भी काफ़ी डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इसको टाइम कंडीशंस में देने से आपको एक अनुमान मिलेगा कि आप अपने टारगेट स्कोर से कितने दूर हैं और आपको कितने महीनों की तैयारी रखने वाली है। इसके हिसाब से आप फिर अपना टेस्ट डेट बुक कर सकते हैं। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट अपनी तैयारी की शुरुआत में ज़रूर लिखें। मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के प्रेपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है।
जीमैट के सवालों की डिफ़िकल्टी लेवल उतनी हाई नहीं होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है। उन 3.5 घंटों में ज़्यादा कुछ सोचने समझने का उतना समय होता नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट डेट तक आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, एक क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना है, ये सब ऑलमोस्ट मसल मेमोरी बन जानी चाहिए। अधिकतर लोग जो जीमैट देते हैं वो साथ में कहीं ना कहीं जॉब्स भी कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो उनका अपने समय के ऊपर पूरा कंट्रोल होता नहीं, ये बहुत जायज़ बात है। लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी कि आप अपने टेस्ट डेट के 1 महीने पहले तक कम से कम 1 घंटा हर दिन जीमैट की तैयारी में ज़रूर लगाएं, 1 घंटे तक जीमैट के क्वेश्चंस बनाएं। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप छुट्टी ले लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप काम की किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में एग्ज़ाम देने जाएं। मेरा यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी है और ये आपके एग्ज़ाम के स्कोर में ज़रूर एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप टेस्ट देने के 1 हफ्ते पहले टाइम्ड कंडीशंस में एक प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर लिखें। इस टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं, मेरे अनुभव से असल एग्ज़ाम में इससे करीब 20-30 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आप अपने टारगेट स्कोर से अब भी काफ़ी दूर हैं, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपको थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है। जीमैट एग्ज़ाम की ये खूबसूरती है कि आप अपना टेस्ट डेट एक बार आगे बढ़ा सकते हैं। आप 50 USD का एक फ़ीस दे के अपना टेस्ट डेट 2 महीने 3 महीने जितने भी एडिशनल टाइम की आपको ज़रूरत है, आप अपना टेस्ट डेट फ्यूचर में भी ले सकते हैं। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी अपना टेस्ट डेट एक बार आगे बढ़ाया था और उस 1 महीने के एक्स्ट्रा प्रेपरेशन से मेरे स्कोर में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो अगर आपको और तैयारी की ज़रूरत है तो आप इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ।